अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ आयशा अब्रार और आपको खुशामदीद करते हैं ईद के पहले दिन। ईद का पहला दिन है जनाब, तो मेरी तरफ से और मसाला टीवी की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। तो जनाब, जो सेलिब्रिटी शेफ्स हमारे साथ होंगे आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बुलाना चाहेंगे आज के ख़ास गेस्ट को, जिनको आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा है, बहुत उनका काम दोनों का पसंद किया है। और कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तानी ड्रामों में हमेशा से अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन आप वही चेहरे बार बार देखते थे और अब इतने यंग टैलेंट आ गए हैं, इतने सारे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको आप कहते हैं राइजिंग स्टार, हम कहते हैं इनको जनाब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आ गई है टीवी पे, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो जनाब जो पहले हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ, वो तो आजकल के हीरो और आने वाले बहुत 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 सालों तक हीरो ही रहेंगे, तो वो है जनाब आज हमारे साथ, आप उनका काम पसंद करते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उसामा खान। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। कैसा गुजर रहा है अभी तक का दिन, नींदें पूरी हुई हैं? आज सुबह सुबह उठा दिया आपको। ओहो ओहो, तो नमाज के लिए तो उठना ही था ना वैसे भी? नमाज के लिए उठना था, फिर सो जाना होता ना, तो बस चलें जी, मैंने सोचा कि बुला लिया तो चलते हैं। अच्छा, उसामा खान के साथ ना आप काफी सारे ड्रामों में काफी सारा काम देख चुके हैं, बहुत और जगह भी देखा है, सोलो भी देखा है और सामा खान के साथ भी देखा है, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। प्यारी सी है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्वीट है, इतने कम अरसे में बहुत सारा काम करके अपना नाम बनवाया है जनाब, किसने? ज़ैनब शब्बीर ने। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वो तीन वाला कर रहे हैं हम, कौन सा वाला? हाँ, क्योंकि अब तो कोविड थोड़ा कम हो गया है ना, तो ये हो सकता है अब। बाय द वे, दोनों ने जनाब ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है, क्या बात है ना, हम तो ब्लैक थीम पे चल रहे हैं। हमें बताया गया था कि ब्लैक पहनना है। मुझे भी बताया गया था। ऐसे ऐसे इसको संभाल लेते हैं। अच्छा चले, सही है, सही है, सही है। हम जैसे सिंक हो गए। कैसी जा रही है ज़ैनब? अभी तक तो अच्छी जा रही है। अभी तक तो अच्छी जा रही है। अच्छी ही जाएगी, आई होप अच्छी ही जाएगी। चले आप लोग आ जाइए, तशरीफ रखिए जनाब, जहाँ आप बैठना चाहते हैं बैठ जाइए, ताकि हम ईद का सिलसिला करें आप दोनों के साथ स्टार्ट। अच्छा जी, लेडीज फर्स्ट, तो हम करेंगे ज़ैनब से स्टार्ट, ठीक है? ज़ैनब, ईद पे आज सुबह से क्या क्या किया? जागे और शो किया। कल सोई कितने बजे थी? सोए हम होंगे, क्योंकि चांद रात पर इतनी हड़बड़ी होती है, मेहंदी लगवानी होती है, मैं तो मेहंदी नहीं लगवाती क्योंकि जाहिर सी बात है ड्रामाज में आपके फिर वो फंस जाते हैं आप, लेकिन मेरी बहनों को लगानी होती है, मेरी बहन खुद मेहंदी लगाती हैं, तो हम जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनकी मेहंदी लगाने चले जाती हैं वो, तो मैं भी इनके पीछे पीछे चली जाती हूँ, उस तरीके से होता है। फिर घर सेट हो रहा होता है, सफाइयाँ सब कुछ, सुबह क्या बनाना है, मेहमान आने हैं, ऑल नई बेडशीट, नई बेडशीट, नई बेडशीट, हर जगह नई बेडशीट खुलती है, बिल्कुल। तो उसमें मेरे ख्याल साफ करना है, पंखे कौन साफ करता है? बता रहा हूँ, ये भी काम होते हैं ना ईद से पहले, तो बस सारा होता है पंखे साफ करने हैं, बिल्कुल तीन चार बज जाते हैं, तो चलिए नींद बाद में पूरी कर लेंगे ईद पे, अब जरा तो हाँ खाएंगे, टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा सामा, आपका ताल्लुक गुजरांवाला से, क्या फर्क? मेरे से वो सवाल पूछे हमने, क्या किया, क्या किया? अच्छा हाँ, क्या किया आपने, चलिए बताएं। मैं हमेशा से यही करता हूँ और पिछले 8-9 साल से ये करता आ रहा हूँ कि जब भी ईद होती है सबसे पहले तो नमाज वगैरह पढ़ के घर आना, फिर वो कब्रिस्तान जाते हैं, फिर वापस आके लोगों से मिलना मिलाना जो नेबर्स हैं, लेकिन मैं खाना सिर्फ अम्मी के हाथ का खाता हूँ सबसे पहला, मतलब यही है रूटीन बचपन से, खाना हमने पहला घर में ही खाना है, कहीं बाहर कुछ नहीं खाना। और क्या खाते हैं खाने में? वो अम्मी के हाथ आलू के पराठे बनते हैं बस, आलू के पराठे। अच्छा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ बिरयानी और पुलाव जैसे, नाश्ता नाश्ता। अच्छा नाश्ता, स्टार्टर है ना वो, ये है कि वो रूटीन एक है कि पता है कि घर जाके ही, मतलब बाहर अगर कुछ भी खाना हो तो नहीं खाना बाहर, घर जाके पहला नवाला खाना, उसके बाद फिर बाहर जाए कुछ भी। ये मुझे बड़ी एक सरप्राइजिंग बात लगी है, बिकॉज अमूमन क्या होता है कि एक्टर्स अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, तो अब अगर आप किसी को बताएं जो बड़ा अपनी कोई सेहत का ख्याल रखे, बोलेंगे आलू का पराठा, एक तो कार्ब्स ऊपर से ग्लूटेन, तो कभी कभी चलता है या फिर हमेशा? मैं वंस इन अ ब्लू मून ही होता है, जब घर जाएं तभी खाते हैं, ईद पे सब चलता है, अदरवाइज मैं रोटी तो खाते ही नहीं है, रोटी कहाँ खानी होती है। हाँ रोटी कहाँ खानी, वही ना ग्लूटेन, ग्लूटेन के मसले मसाइल, बहुत मसले मसाइल, लगता भी फॉरन है ना, गुजरांवाला के बंदों को तो मेरे ख्याल फॉरन लगता होगा, कराची में इतना नहीं है, इतना नहीं लगता, ये देखिए इतना, मेरा ख्याल है इतना खाते हैं, इतना खाती होगी। ये वैसे मेरा सवाल भी आने वाला था कि आप कैसे करती हैं मैनेज, मैं खाती है नहीं, मतलब ख्याल है डाइट का या नहीं? माशाल्लाह बहुत खाती हूँ, आई एम अ फूडी, मुझे बहुत शौक है खाने पीने का और सारे देसी खाने खाने का, फास्ट फूड जो भी हो बहुत शौक है, लेकिन बचपन से मुझे नहीं लगता,
तो आई एम ब्लेस्ड। मेरे ख्याल लड़कियों को लगता नहीं है, एक सर्टेन एज के बाद लगता है लड़की। नहीं, मेरी बहन या मेरी अम्मी भी ऐसे एग्जांपल देती है मुझे कि तुमसे पहले मैं इतनी पतली थी, बस फिर मैं मोटी हो गई। ये ताना हमेशा अम्मियां मारती हैं। आंटी सारी उम्र, तुम्हारी उम्र में मैं तो ऐसे हवा चलती थी और मैं उड़ जाती। अच्छा ये बताएं कि ज़ैनब आप इस फील्ड में कब से हैं, कितने अरसे से? 3.5 years। और इन 3.5 सालों में आपने तकरीबन कितने किए होंगे ड्रामास? आई थिंक 10। 10? 9 to 10। तो आप मैनेज कैसे करती हैं, मतलब ये बहुत ही मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत कम काम किया मुझे ऐसा लगता है। और मैंने, मेरा ऐसा है कि मैं एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दो दो शूट्स पर हूँ या इस तरीके से आज कहीं और कल कहीं और। तो वो प्रोजेक्ट अगर 4 months में, 5 months में और 6 months में बैक हुआ, उसके बाद ही मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर मूव करती हूँ। लेकिन आई डोंट नो, अगर साल में आप 2 projects भी करते हो तो आपके 10 तो आराम से। अगर मैंने 3 साल काम किया है, यानी ब्रेक आपने ज़्यादा नहीं, मैंने ब्रेक ज़्यादा मैं लेती हूँ। एंड उसामा कितना आपने किए होंगे? तो फिर तुमने तो मुझसे कम, मतलब ये इस तरह करती है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो ये दूसरा करती है। मैं एक प्रोजेक्ट जब खत्म हो रहा होता है तो दूसरा स्टार्ट कर देता हूँ। यानी आप ब्रेक नहीं लेते, वो फिर भी थोड़ी हाँ, बहुत में जरा एक जरा टाइम ऑफ लेते। तो मैंने भी इतने किए होंगे, 12 किए होंगे मैंने। और आपको भी, आपको फील्ड में आए हुए अभी कितना टाइम हुआ है? हमारा डेब्यू ऑलमोस्ट 7 ही था। सांवरी। ओके, हम टीवी के सांवरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं, ये सहर, हमजा, हम सब, हमारी अभी भी दोस्ती है। हम जितना, हम जितने थे उस ड्रामे में, जैन वगैरह, हम सब अभी, हम सब दोस्त है। यही हमारा शुरू का टाइम था ना, किसी को कुछ पता ही नहीं था, बता रहे थे यार ये करेंगे। और तो अभी भी ऐसा है, इतनी अच्छी हम लोग की बॉन्डिंग है। वी हैव अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, तो हम वहाँ पर अपनी सब चीज़ें, अपडेट्स शेयर कर रहे होते हैं। किसी को कोई प्रोजेक्ट करना है तो दूसरे सजेशंस ले रहे होते हैं कि ये कर लें ये ना करें, किसी को कुछ पता है तो नहीं। अच्छी बात है, एक्ट्रेस का ग्रुप होना आई थिंक बड़ी अच्छी यूनिटी का साइन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिंस 3 से 4 साल का जो टाइम है, ये काफी होता है एक लाइफस्टाइल को चेंज करने में। तो इससे पहले, जैसे आप, मैंने सुना है आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे जनाब, तो वो सफर क्यों खत्म हुआ और ये क्यों शुरू हुआ? अपॉर्चुनिटी मिल गई इसलिए सफर शुरू हो गया। हमेशा मेरी ख्वाहिश तो थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है ना पाकिस्तान में ऐसा कोई। तो एक हम टीवी का उस टाइम पे अच्छा था, अभी भी आई एम श्योर होगा कि जो 7 बजे के स्लॉट के ड्रामे थे ना, हम टीवी नया टैलेंट लेकर आ रहा था उसमें, तो और दूसरा कोई चैनल नहीं रिस्क लेता था। तो हम टीवी की ये अच्छी बात थी, और अभी भी मेरे ख्याल नए टैलेंट्स आ रहे हैं हम टीवी के ही, उससे आते हैं। तो हम टीवी आपको अपॉर्चुनिटी देता था, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे दिया। और उससे पहले मैंने एक किया था इंजीनियर मलिक के साथ, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, फिर मुझे यहाँ पे रेफर कर दिया। तो हम टीवी उस टाइम पे नए बंदों को ले रहा था। अब तो और ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल हो गया हम टीवी की, अब वो 7 की स्लॉट एज सच नहीं रही है, वो 7 to 8 हो गई। पहले 7 to 7:30 थी और 8:30 to 8 थी। यानी आपकी टाइमिंग अच्छी थी। हाँ। लक और टाइमिंग। और एक और एक और एक और एक और चीज अच्छी थी कि हम टीवी का ये जो MD का ऑफिस था वो क्लिफ्टन में था, तो वहाँ कोई भी घुस सकता, घुस जाता। अच्छा, अब यहाँ इस बिल्डिंग में घुसने से पहले पूछना पड़ता है कि क्यों आए हो, किससे मिलना है, क्या करना, तो वो वाले मसले। तो आप दोनों ने लाइक प्रॉपर ऑडिशंस दिए? आई गेव ऑडिशन। अच्छा आपसे ऑडिशन का भी जानेंगे कि क्या, कैसी फीलिंग थी जब जा रही थी, नर्वस थी, लग रहा था मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा पहली बात तो ये कि मैं गई थी अपने एक फ्रेंड के साथ, तो हम लोग कोचिंग के दोस्त थे, तो मैंने नेट वगैरह पे सर्च किया कि कैसे क्या करना है। तो लकीली एक ऑडिशंस हो रहे थे यहाँ पर, हम टीवी की ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैं गई, बड़े पैसे वैसे जमा कर करके, किराया कर करके, क्योंकि उस वक्त तो ना घर से कोई देता था ना कुछ था, तो हमने सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। और फिर मैं ऑफिस गई एंड आई प्रिपेयर्ड अप स्मॉल प्ले, किस तरह से कुछ कर दूंगी, और पता कुछ भी नहीं था करना के, कुछ भी नहीं पता था, और बस वहाँ जाके जो भी था ब्लंटली कर दिया। एंड वो मुझे लगता है कि आप कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपका नेचुरल जो टैलेंट था वो सामने आ गया। और मेरे ख्याल पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म भी नहीं है, अभी भी नहीं है सीखने का नहीं है, एक दो, वो भी कुछ आर्ट, जनरली आर्ट की तरफ है। एक कराची में नापा है, वहाँ पे आर्ट काउंसिल है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जनाब, यहाँ पे हमारे पास टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी फन एक्टिविटीज होनी बाकी हैं। अभी तो मैं बड़े
ऐसे सवाल करे थे तो फंसाने वाले को सवाल किए ही नहीं है, बड़े दिमागी किस्म के। हम डरे डरे डर डर के जवाब दे रहे हैं अभी। अभी अभी आपको डराएंगे हम सही वाला। और जनाब हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स भी आएंगे, लेकिन कोई और भी हमें ज्वाइन करने वाला है छोटी सी ब्रेक के बाद। और दोबारा ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहते हैं ईद मुबारक। जी जनाब वेलकम बैक, दोबारा से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ हैं सुपर स्टार्स, वो शाइनिंग चेहरे जिनका टैलेंट भी बहुत है, इसके अलावा आप लोग उनको पसंद भी बहुत करते हैं। उसामा खान है हमारे साथ, ज़ैनब शब्बीर है हमारे साथ। ज़रा हल्का हाथ रखा हुआ था मैंने क्वेश्चंस पे, और अब ज़रा थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं। फैंस आई एम श्योर, बल्कि आपसे स्टार्ट करते हैं ज़ैनब। मैं क्यों, पहले लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट रूल रखा हुआ है ना मैंने, हमेशा रूल। लेडीज़ चलें ज़ैनब के कहने पे, उसामा से कर लूं? इट्स अ बेसिक रूल, लेडीज़ फर्स्ट कर लूंगा, मान ले लेडीज फर्स्ट बात मानने में भी, तो उनकी बात मैं मान रही हूँ। सामा से कहते हैं कि फैंस सबके होते हैं, आई एम श्योर बहुत सारे फैंस आपको टकराते होंगे, मगर कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा फैन जो आपने बोलो कि अजीब गरीब हरकत उन्होंने कर दी हो एंड याद रही हो आपको? मैं घर से बाहर निकला और मैं गुजराना में, मैं गाड़ी में बैठने लगा, मेरा दोस्त आया था पिक करने के लिए, मैं गाड़ी में बैठने लगा, मैं कराची से गया था, कीपिंग इन माइंड कि मैं कराची से गया, मैं गाड़ी में बैठा और मेरे साथ से एक मोटरसाइकिल गई आगे, अभी मैं गाड़ी में बैठा और मैंने कहा चलो, और वो मोटरसाइकिल आगे जाके रुकी और वो बंदा भाग के मेरे पास आया, मैंने कहा मोबाइल छुपा लो, मोबाइल गया, मोबाइल गया, मोबाइल छुपा लो, मोबाइल छुपा लो। उसने कहा सर पिक्चर लेनी है आपको, आप मेरे दिल पर हाथ रख के देख लें, धड़कन तेज हो रही है, तो भागने की जरूरत है, तूने मेरा तरह निकाल दिया। वाह वाह, ये वाकई एक बड़ा मेमोरेबल, ये वहाँ इवन लाहौर में और ये गुजरात में बड़ा नॉर्मल है, ये ऐसे होता है। कराची में इस तरह से होता है कि कोई ऑकवर्ड इस तरह से बनता है, मुझे लगता है कि आप कभी खाना खा रहे हो या आप फैमिली के साथ बाहर हो या कुछ कर रहे हो तो आपकी वीडियो बनाने लग जाए। कराची में ना छुपे छुपे काम था, हाँ। लाइक वो मुंह से नहीं बताएंगे, वो आपके लिए वीडियो बनाने लग जाए, आपको बड़ा ऑकवर्ड से लगता है कि आपको पता भी होता है वीडियो बन रही है और आप ऐसे बैठे होते हैं, नहीं शादी वाली वीडियोस बन रही होती, फिर आपकी वाली, आप खाना, आप उस तरह से बात भी नहीं कर सकते किसी से, हंसी मजाक भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कुछ है, तो आप फिर किसी को डांट ही सकते हैं यार, ना करो ना यार ऐसे, और फिर आप फेमस हो जाएंगे। उसामा खान और फिर उसमें आता है कि बदतमीज है, बदतमीज है, जैसे इवन ड्रामे के सेट के ऊपर मैंने भी पिछले दिनों ऐसे हुआ था, अभी उसमें था तो वो वीडियो बना रही थी, बार बार पिक्चर मना किया कि ना बनाए सेट के ऊपर, ना बनाए, आपकी आपकी ना परफॉर्मेंस खराब होती है, आप सेट पे काम कर रहे हैं, आपका लड़ाई झगड़े वाला सीन है, पीछे खड़े हुए पिक्चर्स बना रहे हैं, आपको फील हो जाता है कैमरे का भी आपके ऊपर, बिल्कुल। और मैं ये एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि ये तो हम सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, बट जनरली भी एक असूल है इवन सारे यूट्यूबर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, कि आप किसी से भी, चाहे वो कोई एक चाय बनाने वाला इंसान हो, पूछे बगैर उसकी वीडियो आप नहीं बना सकते, दुनिया में कहीं अलाउ नहीं होता, कंसेंट होना चाहिए ना यार भाई, आपकी पिक्चर ले सकते हैं नहीं कर सकते, आप उसको उस हद तक लेके जाते हैं कि आप बंदा, मैंने ये किया था, मैंने उसका फोन ले लिया, मैंने कहा जब तक आप सेट पे फोन दे दो मुझे। वेरी गुड। अच्छा कमिंग टू यू नाउ, कि कोई फैन मोमेंट जो कि बहुत ही अजीब गरीब हो, एक दो हो चुके हैं लेकिन मैं दूसरा वाला बताऊंगी जो मैंने आई थिंक आज तक कहीं बताया नहीं है, कि मैं एक सेट पे थी और हम लोग रोज लोकेशन उस लोकेशन पे शूट किया करते थे, हम टीवी का एक प्ले था यारना बिस्ट्रे, तो हम रोज़ वहाँ शूट किया करते थे और रोज़ एक लड़का वहीं, मुझे नहीं पता वो उस ही मोहल्ले का था या कहीं और का था, उसको पता चल गया कि मैं वहाँ शूट कर रही हूँ, एंड ही यूज़ टू स्टैंड देयर एवरी डे बाहर गर्मी में, और वो था भी जून जुलाई, और वो वहाँ पे बाहर वेट किया करता था और मुझे रोज़ वो दिखता था कि वो खड़ा हुआ है, और वो लेकिन उसकी हिम्मत इतनी नहीं होती थी कि वो बात कर सके, यंग बॉय लाइक 18-19 ईयर्स का। तो एक दिन जो है वो मेरा, हमारे एसोसिएट हमारे पास आया, उन्होंने मुझसे बोला कि वो बाहर खड़ा होता है रोज़ और वो एक पिक्चर लेना चाहता है, और मैं उसके पास, मतलब वो एक हफ्ते से वेट कर रहा था, वो खड़ा हुआ था, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो वेट कर रहा है और रोज़ आता है टाइम निकाल के, तो मैं बाहर गई, मैंने उसका पिक्चर ली एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, और वो लगा, एंड देन ही गिफ्टेड मी अ परफ्यूम, कितनी देर उससे खड़ा होगा परफ्यूम हाथ में होगी, गर्मी की वजह से स्मेल आ रही थी परफ्यूम में से अच्छी, बिकॉज वो गर्मी में खराब हो जाती है, अच्छी सही आ रही थी, सही थी, हाँ, सही थी। अच्छा एक सवाल और उसके बाद हमारी बहुत स्पेशल स्पेशल आज गेस्ट हैं, वैसे वो गेस्ट नहीं होती, कौन है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक मजे का सवाल आया दिमाग में जरा, वो ये है कि कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी पाकिस्तान का ही हो, कोई सुपरस्टार एनीबडी जिस पे आपको क्रश हो या कभी रहा हो? मेरे ख्याल है वो यूनिवर्सल क्रश ही है, मायरा खान। ओ मायरा खान, मायरा खान तो सबको सबको यूनिवर्सल है, बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्स योर? हुमायूं एंड मायरा।
हुमायूं एंड माहिरा। ओके जनाब, ये भी यूनिवर्सल जवाब आया है। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम है उन प्यारी सी शख्सियत को इंट्रोड्यूस तो क्या ही कराएंगे, आप सब उनको जानते हैं, लेकिन बुलाने का टाइम है जिनको आप देखते हैं मसाला टीवी पे। और मैं जब मसाला टीवी का नाम सुनती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में फौरन वो चेहरा आता है, उनकी हंसी, उनकी बातें, इतनी लाइवली पर्सनालिटी है, और किसी कुकिंग शो को देखने का मज़ा आ जाता है जब साथ में वो होती हैं। तो कौन होती हैं आप सब जानते हैं जनाब, हमारी एक्सपर्ट सीनियर होस्ट अबील जावेद। क्या हाल है? बिल्कुल, अब ज्यादा मजे का हाल है। कितनी अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, मैं बेचैन हो रही थी, मैंने कहा जल्दी से मुझे भी बुलाया, मैं भी जरा पार्ट हूँ सेगमेंट। मैं देख रही थी जनाब आपको बेचैन होता हुआ। तो अबील कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी गुजर रही है, और आप लोगों को देखा बड़े अच्छे अच्छे से तैयार होकर आए हैं ईद पर, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ईद आज की अच्छी गुजर रही है, लेकिन क्या क्या रहा है आपका स्केड्यूल, क्या क्या किया है? सुबह से शीर खोरमा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो थोड़े से गेस्ट से मुलाकात ज़रूरी है, फिर मसाला ऑब्वियसली हमारा एक दूसरा घर है, एक घर छोड़ के दूसरे घर आना होता है, तो यहाँ आए हैं, ये एक दूसरा घर है जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हाजिरी जरूरी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने नोट किया आप शेफ है ना, आपके मुंह से शीर खोमा निकला सबसे पहले, बंदा कहते है ये जो है ना, हमने कपड़े चेंज किए, शेफ से भी ज्यादा लकी उसमें है, ये सारे शेफ के साथ काम कर चुकी है जनाब, और एंजॉय करती होंगी मजे मजे के। मैं नोट कर रहा था, कहेंगे आज हमने ये कपड़े पहने, आज ये इन्होंने कहा शीर खोरमा। सोचे मतलब यूजुअली लड़कियों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी लगती है ना, कि मतलब तैयार हुए, हमने मेहंदी लगाई, सुन सकते हैं वाली बात ना, कि चूड़ियां पहनी थी हमने, मैचिंग ज्वेलरी थी, कुछ ऐसे मेरे मुंह से निकला शीर खोरमा, कोरमे और बहुत सारे लवाजमात खाने के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अबील, मसाला टीवी आपने कहा आपका दूसरा घर है, बिल्कुल है, तो कितने टाइम से जब आप हैं मसाला टीवी के साथ, तो कैसा है सफर, बताएं कि क्या स्पेशल चीज है सफर के बारे में, किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? मतलब आयशा ने तो ऐसे पूछा है ना, कैसा है ये, कैसा है ये सफर? नहीं, सफर ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, जब से मैं मसाला के साथ हूँ, तो अच्छा सफर है, जब भी मसाला के साथ चलते आ रहे हैं, ऑब्वियसली घर किसी ऐसी जगह को नहीं कह देते, यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, जैसे आप घर में होते हैं यहाँ पर भी ऐसे ही आपको मिलता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे तो किसी और चैनल में इतनी सफाई नजर नहीं आती जितनी यहाँ पर, इतनी चैनल साफ सुथरा, कॉर्नर टू कॉर्नर। बहुत बहुत सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, ये बहुत सफाई है, और सफाई दो किस्म की, लाइक एक तो वैसे भी हमारा कॉन्टेंट ये वो, लेकिन वैसे भी जो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत सफाई है, नो डाउट, एब्सोल्युटली। अच्छा अबील, थोड़ा सा आई नो ईद का दिन है, मगर यूजुअली क्योंकि हम ईद के दिन उन लोगों को भी ज़्यादा याद करते हैं जो हमारे साथ नहीं है, आपने ज़ुबैदा आपा के साथ बहुत लंबा अरसा गुजारा है, सब आई एम श्योर जानना चाहेंगे कोई उनकी ऐसी बातें जो आप कभी, आई एम श्योर सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगी, मगर कोई ऐसी बातें जो आपके दिल में अभी तक ऐसे हैं कि वो भूल नहीं सकती आप उनके टोटके 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 उनके मुझे सारे याद हैं, इवन अब तो मैं अपने शो पर भी कहने लग गई हूँ, एक एक दो दो करके इस तरह से बताने लग जाती हूँ लोगों को, मुझे रट गए हैं, फिंगर टिप्स पे थे मेरे, जब जब लोग उनसे पूछते थे, एक एक टोटका कोई हज़ारों बार लोगों ने पूछा है, तो वो तो मुझे याद है, और मैं ऑब्वियसली उनको याद मिस बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत याद रहती है मुझे, मेरा उनका साथ तो बहुत ज़्यादा था। कितने सालों का था? मैं मसाला आई थी तो उनके समय ख्याल से कुछ मैंने 10 साल 12 साल कुछ 10 साल 12 साल किसी के साथ काम करना, आप इनसाइड आउट जानते हैं फिर। हाँ, लोग तो मुझे कहते थे, मैं मार्केट जाती है, लोग कहते थे ओ ज़ुबैदा अब आपके साथ नहीं है, मतलब लोगों को लगा कि आप तो बाहर भी साथ जाती है, साथ करेंगे हम, मतलब ओके। अबील, हम खेलने वाले एक मजे का गेम, हम खेलने वाले हैं ज़ैनब और सामा के साथ, कि ये मास्क है हमारे पास कुछ, ठीक है, जिस तरह से टैबू किस किसने खेला हुआ है, टैबू खेला हुआ है? नहीं। अच्छा, तो इट्स अ वेरी सिंपल गेम, ज़ैनब आपने करना ये है कि ये हमारे पास मास्क है, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि इस पे कोई पर्सनालिटी है, वो कोई भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉन पर्सनालिटी होंगी, और ज़ैनब अच्छा, मैं गेस करता हूँ, ठीक है, चलो आप गेस करिए। अच्छा देखिए, जिसने गेस करना है ना, जो कि इस वक्त आप हैं, अभी हम दोनों ने काउंट करना है कि आप 10 सवाल कर सकते हैं सिर्फ इनके बारे में, ठीक है, और ऐसे, वो ऐसे, फौरन, फौरन। फौरन, फौरन करना है, बहुत कोई टाइम नहीं लेना, सिर्फ 10 सवाल करने हैं और उसमें गेस करना है, ठीक है? बंदी करनी, आपने सवाल पूछना है, आपने नहीं बताना, आपने पहले सवाल पूछना है। अच्छा, मुझे बताएं ये सेलिब्रिटी ही है? नहीं, बिल्कुल है।
और उनसे पूछे ये सवाल नहीं मैं पूछूंगी ये सारी सेलिब्रिटीज अच्छा फीमेल मेल फीमेल मूवी और ड्रामा बोथ क्या इन्होंने सिर्फ हम ठीक मूवीज की अच्छा ये चार जो क्वेश्चन थे वो ऐसे ही बोले थे इसका मतलब पहले ही आइडिया हो गया था आपने भी पॉलिटिशियन बोल दिया था अब ये है ज़ैनब के लिए और ज़ैनब आपने सवाल करने आप खुद से हिंट नहीं दे सकते ठीक है आप क्यों मुंह छुपा रहे हैं आप तो देखें ज़ैनब आपने सवाल मेल फीमेल मेल कहाँ पे आते हैं क्या मतलब कहाँ पे किस चैनल पे ज्यादा आते हैं ये सवाल है नहीं ये सवाल चैनल का नाम नहीं ले सकते आप चैनल का नाम नहीं ले सकते ओके मूवीज और ड्रामास दोनों लास्ट मूवी कब आई थी अब ये तो आने वाली है आने वाली है लास्ट टाइम टीवी पे अपीयर कब हुए थे ये कितने सवाल हो गए फोर हो गए फोर फाइव टीवी पे तो बहुत पहले नहीं 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 आज आज भी हाँ सॉरी आज और कल गुड गुड अभी लाइ लाइ किस तरह आप हेल्प कर रही हैं रोज तारीफ वेरी गुड जॉब अगर तुम्हें सिर्फ बताना होता है मैं कैसे क्या कहते चैनल का नाम नहीं नहीं कुछ और वो तो फिर सब पता चल जाएगा ना इतना आसान नहीं कर रहे हम गेम को अच्छा जी नाउ दिस इज योर नो आप रखिए इसको अपने ऊपर और सवाल आप गेस कर मेल फीमेल मेल अच्छे लग रहे हो साम आप एक्टर एक्टर भी है राइट भी है बट नॉट एन एक्टर लाइक वैसे एक्टर नहीं वो सवाल ये था एक्टर है या पॉलिटिशियन है पॉलिटिशियन भी नहीं है एक्टर भी नहीं है भी तीसरा सवाल हो गया अच्छा पॉलिटिक्स में भी है हां पॉलिटिक्स में भी है पॉलिटिक्स में भी है होस्ट भी है वेरी गुड है पॉलिटिक्स में भी है होस्ट भी है होस्ट भी है और हम हंस रहे हैं और एक्टिंग तो परफेक्ट गुड वन रमजान स्पेशल करते हैं करते हैं शादियों को शौक रखते हैं देखिए हमने नाम नहीं लिया सही है हमने अभी तक नाम नहीं लिया बस हमने नाम नहीं लिया वही अच्छा जी बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था नाम तो फिर लिए बगैर ही गैस हो गया अच्छा अब ज़ैनब द सवाल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ हां भाई मेल फीमेल मेल ड्रामास और मूवीज दोनों दोनों लास्ट मूवी किसके साथ आई थी किस एक्ट्रेस के साथ हाँ बोल सकते हैं नाम ले सकते हैं अगर पता हो आने वाली है सबकी मूवीज आने वाली है किस एक्ट्रेस की भी आने वाली एक एक्ट्रेस का नाम किसकी यार वो तो ऑब्वियस हो जाएगा आने वाली है और एक ही आ रही है नहीं नहीं एक ही आ रही है क्यों आ रही है ईद पर तो अभी काफी सारी लॉन्च एक ही आ रही है नहीं एक्ट्रेस का पूछिए ना इनकी किस एक्ट्रेस के साथ मूवी आ रही है वो तो बता दें नाम आप बता सकते हैं ज्यादा बड़ा हिंट हो जाएगा बड़ा हिंट है नहीं बता सकते बिल्कुल नहीं बता सकते अच्छा दिखने में कैसे प्यारे प्यारे सब होते हैं बताओ ना क्या अभी तक जवान है हाँ गुड 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 हुमायूं से नाम लेना है तो खराब है करीब करीब बट करीब अभी तक जवान है के पास सेम अदनान से दिखी गुड मैंने क्यों हेल्प की ये क्या किया मैंने बट चले जाना जीत की अच्छी बात करीब 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 अच्छा जी अभी बड़ा हंस रही है आपके साथ करते हैं अब ठीक है मैंने वैसे बड़ा तंग किया अबील को फंसाएंगे अच्छा जी अबील के लिए है जनाब ये और आप हम सबसे सवाल कर सकती हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ वेरी इजी वेरी इजी यस अच्छा मेल फीमेल मेल टीवी एक्टर फिल्म बहुत पहले ड्रामा मतलब उन्होंने तो पक्का सोचा कोई हिंट नहीं देना ना वो तो मैं बता रहा हूं दोनों 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 मेरे स्मर्क से समझ जाएं आप दोनों मैं तो घूम घूम के आयशा की तरफ देख रहा हूं इधर से तो कुछ आ भी रहा है वो तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं दोनों दोनों अच्छा
मतलब फिल्म और ड्रामा दोनों, दोनों ड्रामे पहले कर देते हैं अब मूवीज करते हैं ज्यादा। दोनों के सुपरस्टार, दोनों के सुपरस्टार, दोनों के सुपरस्टार, गुड 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 जबरदस्त। देखे इज्जत की बात थी ये, आपने जितने वहां सवाल पूछे थे आपने पूरा कर दिया। चलिए जी जनाब, बातों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी, लेकिन अबील आई है बहुत ही जल्दी में। अबील कहाँ भाग रही है? हाँ बस ईद है, मीठी ईद है, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारा काम है एंड ऑब्वियसली खाने भी बनाने हैं बहुत सारे। अच्छा अबील, जाते जाते जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगी ईद के दिन तमाम तमाम लोगों को? ईद बहुत बहुत मुबारक, और ईद है मीठी ईद है, जिस तरह से हम तैयार हैं, बहुत सारी खुशियाँ मना रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मिलते हैं, खुशियाँ बांट रहे होते हैं, तो प्लीज़ अपनी ईद में उन तमाम लोगों को भी ज़रूर याद रखें जो कि ईद नहीं मना सकते हैं, किसी न किसी तहत ईद नहीं मना सकते, तो अपने से थोड़ी सी कोशिश ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से ईद मना सकें। एक्चुअली हमारा ये फेस्टिवल है जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, रमज़ान मुबारक के बाद एक ये तोहफ़ा होता है हमारे लिए, तो ये तोहफ़ा उनको भी मिले। थैंक यू, बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज था, और इसी मैसेज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अबील आपका। थैंक यू, अच्छा लगा, मजा आया आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका इतनी सारी हिंट्स देने का। मैंने आखिर में आपको बहुत अच्छी हिंट दी, सुपरस्टार मैंने आपको बताया। मैं तो याद रखने वाली हूँ उसको। हाँ, वो कंपनसेट हो गया उस टाइम के लिए जब आप कुछ भी नहीं बता रहे थे बेसिकली। एनीवे हम जा रहे हैं जनाब ब्रेक पे, और ज़ैनब और उसामा हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, बहुत मजे मजे के क्विज और गेम्स करने वाले हैं। खाने में क्या बनेगा अभी भी सस्पेंस है, अभी भी नहीं बता रहे आपको, वापस आने के बाद बताएंगे। मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लगाऊंगा। ओहो बता दिया जल्दी से जाए ब्रेक पे, दोबारा से ईद मुबारक। जी जनाब वेलकम बैक, दोबारा से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के पहले दिन हम यहाँ पे कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंजॉय, और ज़ैनब शबीर हमारे साथ थी, उसामा खान हमारे साथ थे, और थे क्यों कह रही हूँ मैं, बिकॉज ये दोनों किचन में पहुँच गए जनाब। हेलो एक्सक्यूज मी, ये हमारे, अगर आप लोग खाना बनाएंगे तो सेलिब्रिटी शेफ्स क्या बनाएंगे फिर, क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं आज उनको रेस्ट हैं। और खाना हम जलाएं, सॉरी बनाएं। वेरी गुड आइडिया, वाकई आप सीरियस कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह क्या बात है। तो ये था छोटा सा वो सीक्रेट, छोटा सा वो ट्विस्ट कि आज हम हमारे जो मसाला टीवी के सेलिब्रिटी शेफ्स हैं उनको ज़रूर बुलाएंगे, उनके साथ ईद मनाएंगे, लेकिन उनसे खाने नहीं पकवाएंगे फॉर अ चेंज। तो हमारे साथ जो दो इस वक्त अमेजिंग से सेलिब्रिटी शेफ्स मौजूद हैं, आप उनको देखते हैं मसाला टीवी पे, बहुत पसंद करते हैं, उनकी रेसिपीज़ को फॉलो करती हैं, बहुत 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 ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती हैं, और हम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम उनको बुलाएंगे। हमारे साथ हैं आज जनाब शीरीन अनवर और ज़ैनब सिद्दीकी। आ जाइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपका, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपसे दोबारा दोबारा, बड़ी जल्दी जल्दी हुई है मुलाकात। हेलो, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आइए बैठिए। ओ ज़ैनब और मैं थोड़े 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 मैच कर रहे हैं। जी जनाब, अच्छा सो आपा आपको और ज़ैनब आपको कैसा लग रहा है कि खाना नहीं बन रहा आज आप लोगों से? वेरी गुड, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। ओके तो डिफरेंट, अच्छा अब ये है कि उसामा और ज़ैनब क्या बनाएंगे पहले तो हमें ये बताएंगे, और आप लोग जज करेंगे। प्लीज बताइएगा किसने ज्यादा अच्छा बनाया। जी जनाब, तो अच्छा, ये जज वाली चीज नहीं बताई थी आपने? क्या बताया? जज वाली चीज नहीं बताई थी आपने, कहा था खुद खा लेना, छोटा सा ट्विस्ट आप लोगों के लिए भी था, तो मैंने कहा थोड़ा जरा हेल्प भी करनी है आप लोगों ने, प्लीज हेल्प ही करनी है। चलिए हेल्प कर, टिप्स देंगे, टिप्स वाली हेल्प करनी, वहाँ जाऊँ? नहीं नहीं, यही बैठे रहे, मगर ये तो बताए की बना क्या रहे हैं। पीना कोलाडा, अमेजिंग, और ये सूजी का हलवा। ओके सूजी मैं पहले भूनने लगी हूँ, पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं भूनूंगी, लेकिन अब मैं भून रही हूँ। अच्छा है, अच्छा। आप आपको सवाल करेंगे पीना कोलाडा के बारे में, तो आधा काम लगता है हो गया है, पूछेंगे उनसे कि ये जो है वो आधी सारा चीजें तो शामिल हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। अच्छा आप हमें बताएंगे कि क्या क्या शामिल किया है भाई? मैंने इसमें ये पाइनएप्पल जूस, कोकोनट ये मिल्क, और ये दूध मिल्क। ओके और आपा ज़ैनब अभी तक सही लग रहा है पीना कोलाडा? साउंड सही कर रहा है? ये वाला साउंड नहीं, दूसरा वाला साउंड सही कर रहा है। अच्छा देखिए अच्छा, तो आहिस्ता-आहिस्ता बन रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता बन रहा है वो। अच्छा वो खाली दूध को? नहीं मैंने कहा तीनों चीजों को जरा मिक्स कर लो ना एक दफा। ओके अच्छा, और ये ज़ैनब आप अभी सूजी भूनना स्टार्ट हुई है?
पता नहीं हो ही रही है, हो ही रही है। अच्छा जो भी जरा कोई ऐसा मरहला आएगा ना जो आप हमसे शेयर करना चाहें तो जरूर बताइएगा। ओके डन, ठीक है। जब तक हम आते हैं जनाब हमारे सवालात की जानिब, जानक ये बताएं कि एक होता है ना आपसे ही सवाल, आई एम श्योर किसी ने किया होगा, आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं, और फिर हम चेक्स हो जाते हैं कि सब बनाते हैं हम, बट समथिंग दैट यू लाइक व्हाट व्हिच यू मेक, मीठा, एनीथिंग मीठा, एवरीबॉडी मीठा तो आप क्वीन है, बट लाइक समथिंग स्पेसिफिक, मीठा, ब्राउनीज, ब्राउनीज, ओह लाइक द गुड चॉकलेट, गुड गुई चॉकलेट, रियल चॉकलेट ब्राउनीज, रियल चॉकलेट ब्राउनीज। अच्छा जरना वैसे ये सवाल ईद से कोई बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक नहीं है, बट आई वुड लाइक टू आस्क कि ब्राउनीज में ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि जी जितनी अच्छी चॉकलेट होगी उतनी अच्छी बनेगी, तो कोई ख़ास आपके कोई है, कोई वेंडर है कराची में किसी से मंगवाती हैं या बाहर से मंगवाती हैं, कुछ है ऑप्शन कराची पाकिस्तान? इट इज़ इम्पोर्टेड ही चॉकलेट है, लेकिन मैं ऑब्वियसली यहाँ से खरीदती हूँ, ब्लॉक्स बड़े जो हैं, कांट टेक नेम्स ऑन, या नो बट लाइक यू हैव समवन जो कि आप यहाँ से परचेज करते हैं, ठीक है। अच्छा आपा मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपकी एक डिश होती है जो कि आप दूसरों के लिए बनाते हैं जो टीवी पर आपको देखते हैं, एक डिश होती है जो आपकी फैमिली में आपके हाथ की हर बार 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 लोग फरमाइश करते हैं, वो स्पेशल डिश ईद पे या आम दिनों में? ईद पे भी बता दें और फिर जनरली भी बता दें। ईद पे तो मेरे हाथ का सब वेट करते हैं, शीरखुरमे, शीरखुरमे का वेरी स्पेशल, और उसमें आपका स्पेशल वाला टच क्या है? Actually, that's my mother's recipe. Okay. Yeah, shirkhurma is my mother's recipe. I learned it from her. Ab bahut bahut hi maze ka banta hai. I'm sure. Ab banati hungi to maze ka banta hoga. Aur Eid ke ilawa kya hai? Koi aisi signature dish which your family loves? Koi ek aisi cheez? Again, this is my mother's recipe. Aur ye hamari ek main dish hai ye. जिसे हम लोग मुठिए कहते हैं, मछली मुठिए कहते हैं, और बहुत सारे मेमन लोग जो गुजराती टाइप के गुजराती होते हैं इसको ढोकरे भी बोलते हैं। अच्छा, बट दे आर नॉट दोज ढोकरा, द सूजी का वाला जो ढोकरे होते हैं, दिस इज नॉट दैट, दिस इज मेड विद बाजरी का आटा एंड वेजीज, ऑल द वेजीज, मिक्स वेजीज गो इन टू दैट एंड इट्स सर्व विद फ्राइड फिश। बहुत हेल्दी साउंड कर रहा है, और बहुत मज़े का होता है, और ये हम लोगों में किसी को नहीं आता बनाने, लाइक इन माय फैमिली नोबडी मेक्स इट। एक तो ये कि बहुत मेहनत है इसमें, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा किसी को सीखा नहीं, आई हैड लर्नड इट फ्रॉम माय मदर। अच्छा यहाँ पर बड़े काम शाम हो रहे हैं जनाब जानक और शीनापा, मैं आपको हम देखें देखें क्या हो रहा है, जाकर देखना चाहिए जानक का बड़ा जानक, आप जरा कमेंट्री करें प्लीज। मसला ये है ना कि हम बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकते किचन में, शीरा ना गरम नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने क्या किया, पहले ये भून लिया? ये भूना है हल्का सा, टाइम इतना, मैंने इसमें इलायची डाल दी, घी डाला है और इसमें मैंने इलायची के 4 cloves डाले। अच्छा फिर अब मैं इसमें सूजी डालूंगी। अच्छा जब ये कट कट करने लग जाएगी थोड़ी, कट कट क्या कर, नया टर्म सीखा आज मैंने, जब ये कट कट करने लग जाएगी। अच्छा आपने क्या किया, ये देखो मेरे लिए बनाने की जगह खुद बना के पी भी लिया। मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ अभी। उसामा इसके मार्क्स कट सकते हैं किसके, टेस्ट करने के? अब देखिए जैनब ने तो नहीं किया, नहीं, अगर जैनब का तो अभी कुछ बना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ कर रहा था कि कैसा होगा, मैंने अभी नहीं, मुझे नहीं पता कैसा होगा। अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर आप जेंडर के अकॉर्डिंगली देखें मर्द ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं औरतें? आई हैव अ फीलिंग औरतें, डेफिनेटली। ओके ओके, लेकिन अब तो बहुत सारे मर्द आ गए हैं थैंक्स टू मसाला चैनल, इतनी अवेयरनेस आ गई है मसाला की वजह से लोगों में कि आप देखो आयशा कितने सारे बच्चे लड़के इस फील्ड में आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा आपा कह रही हैं भाई कि यहाँ पे कुछ बातें किच पर हंसी मजाक हो रहा है, आपा कह रही हैं कि शी बिलीव्स कि मैंने पूछा औरतें ज्यादा अच्छा खाना बनाती हैं, तो आपा ने कहा कि औरतें, व्हिच मींस आई थिंक एक वोट आपकी फेवर में चला गया है जैनब, थैंक यू। और मैं अभी थोड़ी सी बट एक्चुअली मैन मेक द बेस्ट शेफ्स इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच आपा, मैं आपा नहीं हूँ ना, उन्होंने मेरी साइड ली है, जानक ने बेसिकली आपकी साइड ली है उसामा, और आपा ने जो है वो अभी तक साइड ली है जैनब, मुझे क्रेडिट ही नहीं मिली। नहीं नहीं मैंने आपको क्रेडिट दिया, आप भी थोड़ा सा दें।
अच्छा अब मैं ना अभी इस वक्त अच्छा मुझे आइडिया नहीं था कि आप टेस्ट नहीं कर सकते तो मैं कुछ और नहीं मैं बाय द वे आई वाज पुलिंग योर लेग ऐसा कोई रूल नहीं है मैंने टेस्ट कर लिया ऐसा कोई रूल नहीं टेस्ट कर लिया और इन्होंने मुझे कान में कुछ कहा भी है कहा भी है क्या अच्छा टिप आपा ये टिप नहीं दी देयर वाज नो टिप इट्स फाइन इट्स परफेक्ट टिप तो नहीं दी ना मैंने कहा कि या लक नेक्स्ट टाइम अच्छा सारनक आप देख के आई हैं तो आप जरा सूरत हाल एक्सप्लेन करें कि वहाँ क्या हो रहा है आपको क्या लग रहा है वहाँ भी टर्टर की आवाज वेट कर रहे हैं जब टर्टर या क्या इन्होंने कहा था कट 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 जब जब इलायची कट कट करेगी यार वो भुनने लग जाएगी हाँ जब वो कड़कड़ाएगी तब फिर कुछ और डालेंगी सूजी डाल चुकी हैं वहाँ तीसरी दफा ब्लेंड हो चुका है पीना कलाडा रखूं या मीडियम टू लो मीडियम देखिए मैं तो आई एम ऑलमोस्ट डन जवाब दे चुके होंगे मगर लोगों को बार बार जानना होता है कि आपकी कुकिंग जर्नी कैसे स्टार्ट होती है जारनक आई वुड लव टू स्टार्ट फ्रॉम यू कि एक चीज होती है कि अच्छा आपको शौक था बट व्हेन हम ये इसको सवाल को थोड़ा ऐसे प्रेस करते हैं कि मसाला टीवी पे यू विल कंडक्ट अ शो ये पॉसिबिलिटी कब आई दिमाग में क्या well, ऐसे था कि आई वॉज वर्किंग इन अ बैंक आई बीन वर्किंग फॉर 12 ईयर्स ठीक है उसके बाद एक दिन मैंने नौकरी छोड़ दी थी अपनी आई वॉन्टेड टू चेंज एंड देन मैं इनके घर चली गई थी फॉर कुकिंग क्लासेस दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 17-18 ईयर्स अगो की बात है ठीक है सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड सन एट दैट टाइम एंड मैं उनके घर क्लासेस पे गई थी और उसके बाद जब ये मसाला पे गई थी तो उन्होंने कहा था तुम आके पारसी खाना बनाना याद है आपको वो दिन और हम बहुत कम बातें करते थे उस वक्त तो वो ये कहती थी तुम कुछ बोलो मैं कहती थी आप कुछ बोलें ऐसे हमारा शो गया था और एक घंटा हमारा डेढ़ घंटा उसमें गुजर गया था उसके बाद मैंने उसमें पारसी खाना बनाया था जिसमें ये धनसाक थी फिश इन बनाना लीव्स जो हम पात्रानी मच्छी बोलते हैं वो बनाई थी आई थिंक पनीर भी मैंने बनाया था कॉटेज चीज़ मैंने बनाया था ठीक है तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है वहाँ से शुरू हो गई है खुशबू आ रही है हिंट करा रही हूँ और उसके बाद फिर हमने फिर इन्होंने आई थिंक एक और शो पे मुझे चॉकलेट्स बनाने के लिए बुलाया था जिसमें मैंने सिर्फ चॉकलेट्स बनाए थे उसके बाद हमारे जो उस वक्त बॉस थे उन्होंने कहा था ठीक है व्हाई डोंट यू कम एंड डू अ शो आई सेड आई विल नेवर डू अ लाइव शो ये मेरे लव से कि मैं आई विल नेवर डू अ लाइव शो तो उन्होंने कहा था चलो लेट्स स्टार्ट विद अ रिकॉर्डेड शो तो उन्होंने मुझे चॉकोहॉलिक्स के नाम से जो मैंने सीजन वन किया था वो उन्होंने मुझे शो ऑफर किया था सो आई डिड चॉकोहॉलिक्स विच वॉज ऑफकोर्स एज द नेम सजेस्ट बेस्ड ऑन चॉकलेट सारी चीज़ें चॉकलेट की मैंने उस वक्त बनाई थी वो Oh, that was season one. That was a hit. Uske baad I got this job. Actually, I was working in the office. Even that time? यहाँ नहीं नहीं यहाँ. I joined Masala TV in the content department. और उसके वहाँ मैंने दो. किया था उसके बाद फिर देन द लेडी हु वाज डूइंग फूड डायरीज शी लेफ्ट शी गॉट मैरिड एंड शी लेफ्ट रुकैया उसने छोड़ दिया था फूड डायरीज तो मैंने उससे फूड डायरीज टेक ओवर कर लिया था सो इट्स बीन 10 इयर्स नाउ I see. So, वो कोई एक खास कोई एक पहला शो नहीं था लाइक बहुत सारे पहले शोज थे ऑफ डिफरेंट नहीं मैंने चॉकोलेट्स किया था फिर फूड डायरी बट लाइक पहला शो कुछ ऐसी कोई मेमोरी है कि पहली बार जब कैमरे को फेस किया तो पहली बार मैंने इनके साथ फेस किया था ये कहती थी तुम एक्सप्लेन करो क्या बना रही हो मैं कहती थी आप बोले तो ये आप और तुम में इस तरह होता अच्छा आप बताएं कि आपने पहली बार आई एम श्योर लाइक यू आर द एक्सपर्ट कितने टाइम से खाना बना रही होंगी मगर स्क्रीन पे पहला एक्सपीरियंस आपका क्या था और कैसा था वेरी स्केरी रियली बिकॉज आई नेवर फेस द कैमरा बट आप लगता नहीं है आप इतने तहम्मुल से समझाती हैं इसलिए नहीं लगता तहम्मुल मेरे में इसलिए कि आई हैव बीन टेकिंग कुकिंग क्लासेस एट माय हाउस सिंस लास्ट 35 इयर्स एंड इट शोस तो वो मेरा फील ही है ना प्रोफेशन वही रहा मैं सिखाती थी अपने घर में लेकिन कैमरे को देख के मुस्कुराना देखना वो डिफरेंट फील दैट वाज वेरी स्केरी फॉर एट लीस्ट 15-20 डेज एंड सुल्ताना आपा वंस मेट मी इन द कॉरिडोर एंड She got hold of me and she said, क्या कर रही हो लड़की तुम्हें तो हिलाना पड़ता है जगाना पड़ता है बोला करो कैमरे को देख के चुप नहीं मत रहा करो और फिर उसके एक साल बाद she once met me again in the corridor and she said, इतना भी नहीं बोलो आराम आराम से बोलो इतना अब तो तुम्हें शुरू हो गई हो अच्छा वाओ यानी इट्स बीन अ जर्नी वेरी वेल अच्छा यहाँ पे
सर्विंग हो गई है, वाह वाह जबरदस्त, और हमने बहुत काम करवाया आप लोगों से, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। अब मैं चाहूंगी कि क्यों ना मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँ यहाँ लाने में, कोई हेल्प चाहिए? जब सारा काम हो गया हम लाइक हेल्प चाहिए, वहाँ पे लेकर आना, मजा आएगा अगर आप लाएंगे और हम चखेंगे। बिल्कुल लेकर आएंगे। और हमसे मेरी मुराद है जार्नक एंड आपा, तो अब मैं जरा आप लोगों के लिए स्पून्स लाती हूँ, और आपा आपने बताना है, जार्नक आपने बताना है। ओह वाह क्या बात है सामान, बस आप दूर दूर से देख रहे हैं, दूर दूर से देख रही थी अभी मुझे करीब से नहीं, ये तो बड़ा कोई अच्छा, एक आप ले आए मैं ले आती हूँ, आप लोग आके अब बैठ जाए, और जैनब आप, मैं सूजी का हलवा लग तो बड़ा अमेजिंग रहा है। अच्छा जी हम आते हैं, ज़रा बैठते हैं, और ये एक पीना कोलाडा है आपा आपके लिए। थैंक यू बेटा, वेलकम। ये आपका है, जार्नक का ला रही हूँ, और आप दोनों भी आ जाइए। ओह अच्छा ये हो रहा है, पीना कोलाडा विद अ ट्विस्ट ऑब्वियसली, ये हो रहा था। ओके आ जाइए आ जाइए, ये दूसरा वाला जो है वो जार्नक, ये दोनों ग्लास फ्रेश है, ठीक है सही। मैंने करना है, मैंने इसमें तेल ज्यादा डाला है, आपने तो वैसे इसके साथ चख लिया था, थैंक यू, इसके साथ चेक करें ज्यादा। जी 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 जी, ये सूजी का खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के टीस्पून। अब आप हमारे घर में आए, आप भी यार देखें ऐसे नहीं यार, नहीं नहीं यार, मैं हंस रही हूँ इस पे कि आप हमारे घर में आए, अब आप हमारे घर में आए कि हम आपके घर में, तभी हमने खाना दिया ना आपको, प्लेट भी हम ढूंढ रहे हैं, बड़े बदतमीज किस्म के होस्ट है हम वैसे, प्लेट और चम्मच हम ढूंढ रहे हैं, तो हम जार्नक वाला स्पून मेरे हाथ में है, जार्नक अभी ये पी लेंगी तो फिर इसी हलवे में से हम जरा चखेंगे। जार्नक कॉमन स्पीस या दोनों के बाद में, आप दोनों ट्राई कर लें उसके बाद बताइएगा। आपने इसमें बादाम पिस्ते क्यों डाले? ऐसे ही एड ऑन हैविंग थोड़ा सा, यू वांटेड अ ट्विस्ट टू पीना कोलाडा। यस चलें जी, तो दोनों फिर पास, एंड दोनों पास, मेरा भी भैया इतनी ही डिटेल से आप बुराई करते हैं, जबरदस्त। नहीं इन्होंने कह दिया ना विद अ ट्विस्ट बनाया है, नहीं उन्होंने जिस तरह आपको पीना कोलाडा इज वेरी नाइस, इट शुड हैव बीन लिटिल कोल्ड चिल्ड, बस वो तो बाकी परफेक्ट है। अच्छा जी थैंक यू सो मच, हमारे पास यहाँ वक्त हो चुका है ख़त्म, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। आप कोई मैसेज आज के दिन के हवाले से देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि हमारे तमाम व्यूअर्स को मसाला टीवी की मैनी मैनी ईद मुबारक टू एवरीबडी, और इतना ये खूबसूरत मौका है, प्लीज़ अपने से नीचे वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, हम उनको हमेशा भूल जाते हैं। आप प्लीज़ अपने से जो नीचे वाले लोग हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, तो प्लीज़ उनका भी ज़रूर ख्याल रखना। क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से अगेन ईद मुबारक सबको, और अच्छे खाने बनाएं, खाएं, हमारे शोज़ देखें, और बहुत सारी चीज़ें हमने भी बनाई हैं, ईद के भी हमारे शोज़ अभी स्पेशल शोज़ होंगे, सो जस्ट कीप tuned and stay. सामा क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने अच्छा मैं क्या कहना चाहूंगा? मैसेज है ईद का पहला दिन, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। दूसरा मेरे लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में, हर बंदे की लाइफ में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पास रूटीन में इतना टाइम नहीं होता कि उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, तो ईद एक ऐसा मौका होता है कि अपनी फैमिली के साथ एक रीयूनाइट सी एक होती है सिचुएशन, तो बस अपनी फैमिली को जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो, अपने पेरेंट्स को जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो। वेरी गुड मैसेज, वेरी गुड मैसेज। ज़ैनब ईद मुबारक पे क्या कहना चाहूँगी? मुझे लगता है आफ्टर टू ईयर्स आई थिंक हमारे पास एक कोविड फ्री और नॉर्मल ईद आई है, तो उसको इन्जॉय करें, बहुत सारा गले मिलें जो कि हम नहीं मिल रहे थे, और सबको प्यार दें अपनों को, और जिनसे नाराज़गी हो उनसे नाराज़गी दूर करें, और सबका ख्याल रखें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, एंड एंजॉय विद योर फैमिली। चलें जी जनाब, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन जो कि आपने की एंजॉय, और अब आगे आने वाले टाइम में भी आप बहुत प्यारे प्यारे चेहरे देखेंगे, बहुत सारा टैलेंट देखेंगे। तो जनाब आज के लिए इतना ही, चाहते हैं आपसे इजाज़त, और कल की भी ट्रांसमिशन में आप बहुत ही अमेजिंग चेहरे देखने वाले, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जनाब अब हमारी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़ और ईद मुबारक।